स्वागत है दोस्तों आज सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि एक फाउंडेशन पार्ट में एक फुटिंग दी गई है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का एलिवेशन और सेक्शन यहां पर दिया गया, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये कंप्लीटली इस वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में आपको एक ऑफर भी देने वाला हूं, साथ के साथ आप लोगों को ये बताने वाला हूं मैं यहां पर कि कंप्लीटली सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हैं, उस ऑनलाइन कोर्स से आप ऑफलाइन में कैसे मदद ले सकते हैं, उसका 15 सितंबर तक ऑफर चल रहा है। 15 सितंबर तक ज्वाइन होंगे तो आपको भारी डिस्काउंट तो मिल ही रहा है ऑनलाइन कोर्स में, साथ में ऑफलाइन में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो आप लोगों के लेकर आता हूं मैं, तो जितने आप लोगों के लाइक आते हैं उससे मैं समझ पाता हूं आप लोगों को कितना अच्छा लगा ये वीडियो, कितना अच्छा टॉपिक लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली में यदि आपको जुड़ना है तो सब्सक्राइब करना ही होगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सिविल इंजीनियरिंग से ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ही होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस फुटिंग में आप लोगों को क्या क्या डिटेल दी गई हैं। आप लोग देखेंगे यहां पर सबसे पहले फुटिंग का साइज जो कि 1850x1850 आपको गिवन है यहां पर। देन इसका डेप्थ ऑफ फुटिंग, देखिए स्मॉल डी और कैपिटल डी, थोड़ा समझिए इसको। आपको हो सकता है कोई और ड्राइंग, यदि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है, गुरुजी के खजाने कोर्स में कोई एनरोल है इंजीनियर यहाँ पर, उनको पता होगा कैपिटल इसमें D1 और D2 करके करवाया था, लेकिन यहाँ पर टर्मिनोलॉजी चेंज भी हो सकती है। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर डी, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब पूरा फुटिंग, चाहे उसमें रेक्टेंगल पार्ट हो या हमारा ट्रेपेजॉइडल पार्ट हो, इन सब क्या है ऐड कर दिया गया है इसमें, तब बना हमारा डी, जिसको बोला डेप्थ ऑफ फुटिंग, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया है। स्मॉल डी मतलब डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, रेक्टेंगल पार्ट की डेप्थ, तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ क्या होगी ये निकालना है हमको। तो कैसे निकालूंगा ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ, टोटल में से इसमें से यदि मैं इस वाले को डिडक्ट कर दूंगा तो बचेगा कितना मेरा, इतना पार्ट बचेगा यहां पर ऑब्वियसली, तो जितना भी मेरा कैपिटल डी होगा उसमें से स्मॉल डी को डिडक्ट करूंगा और निकलेगा मेरा क्या डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। इतना बात क्लियर है यहां पर। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे यहां पर सॉल्व होगा। मान लीजिए फुटिंग का साइज तो आपको दिया हुआ है, कैपिटल डी मैंने आप लोगों को दे दिया यहां पर 450 mm, ये मीट यहां पे mm दे दिया। इसके बाद स्मॉल डी मैंने आपसे कह दिया, जो स्मॉल डी है आपका, वो मैंने आपसे बोल दिया कि 250 mm का आपका स्मॉल डी की डायमेंशन, मतलब यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन है 250 और ये दिया हुआ है आपको 400, ऐसे आपको कंडीशन 450 यहां पे कर दिया मैंने, 450 की कंडीशन आपको दी गई है। अब इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा सेक्शनल व्यू, देखिए बहुत जरूरी है, मतलब ये तो हो गया एलिवेशन, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। अब यहां पर समझेंगे अब टॉप व्यू, ये है टॉप व्यू इसी फुटिंग का, टॉप व्यू। इस वाली फुटिंग को यदि मैं यहां से, देखिए आप लोग यहां से यदि मैं कट कर दूं, इसको सेक्शन बना दूं कुछ इस तरह से यहां से, तो सेक्शन क्या बनेगा हमारा, ये वाला फिगर बनेगा जो एलिवेशन बनाया हमने। अब यहां पर जो नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका 1850x1850 दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका लेंथ है फुटिंग का और ये फुटिंग का क्या है विड्थ दिया हुआ है। इसके बाद जब हम देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन यहां पर दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन वो कहां पर है हमें, यहां पर मिला हुआ है, ये वाला पोर्शन मिला हुआ है हमको, ये कितना है यहां पर, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट, मतलब ट्रेपेजॉइडल ये है इसका टॉप पार्ट का एरिया। साथ में यहां पर एरिया की बात करूंगा तो दो डायमेंशन होंगी, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा विड्थ। निकालने का तरीका एकदम सिंपल, देखिए ये कॉलम है, इधर कॉलम से कुछ डिस्टेंस ये ज्यादा है, आप लोग देखेंगे इतना डिस्टेंस क्या है ज्यादा ही है, ये हमें ड्राइंग में गिवन होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाले कोर्स में मैंने जो ड्राइंग प्रोवाइड करी है उसमें ये 100 mm दिया हुआ है, यहां से भी 100 mm और ये भी आपका 100 mm का डिस्टेंस है। तो यहां पर आप देखेंगे ये कॉलम है, ये है कॉलम, कॉलम का डिस्टेंस कहां तक है, यहां तक है कॉलम का डिस्टेंस लेंथ और विड्थ। मान लो कॉलम का साइज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, C1 कॉलम है कोई, उसका साइज है 250x450, ये कॉलम का मैंने साइज दे दिया आपको 250x450, ये कॉलम का साइज आ गया आपका यहाँ, तो कॉलम का साइज दिया होगा 250x450, तो मतलब छोटा वाला लेंथ ऑब्वियसली कितना होगा 250, ये कितना होगा 450। अब आप लोग देखेंगे यहां पर कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी है, ये जो 100 mm मैंने लिया है, तो यहां भी क्या होगा ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये वाला यहां भी होगा, ये यहां भी है डिस्टेंस मेरा, ये वाला डिस्टेंस भी है मेरे पास, तो ये कितना हो गया मेरे पास 100, यहां पर ये भी कितना हो गया 100 हो गया मेरा, ये भी कितना हो गया 100 और ये भी कितना हो गया 100 mm यहां पर दिया हुआ है मुझको। तो मेरे पास ये L और V इजीली फाइंड आउट हो गया मेरे पास, कैसे, जब मेरे पास ये 250 दिया हुआ है 400, 250 में 100 इधर और 100 इधर, तो कितना हो गया ये साढ़े, यहां पे हो गया मेरे पास 250 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 450, यहां पे निकल के आ गया ये 450।
अब इसके बाद ये वाला डिस्टेंस जो कॉलम का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है मेरे पास, वो दिया हुआ है यहाँ पे 450, 450 में 100 और 100 किया तो कितना हो गया ये 600। तो ये यहाँ पर मेरे पास समझ में आया इस डायग्राम का मतलब कि टॉप व्यू समझना बेहद जरूरी है अगर ट्रेपेजॉइड फुटिंग का वॉल्यूम निकालना है। देखिए बहुत सारे इंजीनियर होते हैं जिनको ट्रेपेजॉइड फुटिंग का वॉल्यूम निकालना नहीं आता क्योंकि सिखाता नहीं, साइड पर जाते हैं देखते रहते हैं लेकिन वॉल्यूम निकालना आता नहीं। वॉल्यूम नहीं निकालना आता ना तो आप यहाँ पर स्टील की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ना ही आप यहाँ पर मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ना ही आप बिल बना पाएंगे, ना ही आप एस्टिमेशन बना पाएंगे। इसलिए समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए। अब इसके लिए एक लगता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला जानना चाहोगे, वो फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। यहां से मैं इस पेज को सेकंड पेज पे ले जाता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेप चेंज है। यहां पर शेप देख रहे हैं आप, नीचे वाला जो आप लोग देखेंगे ये जो पोर्शन है ये आपका रेक्टेंगल पोर्शन, ये पोर्शन है रेक्टेंगल, और जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला पोर्शन बन रहा है आपका ट्रेपेजॉइडल पोर्शन। तो दोनों का डिस्टेंस चेंज हो गया, दोनों के शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया तो फॉर्मूला भी क्या होगा चेंज होगा। हम नीचे वाले पोर्शन को कह रहे हैं रेक्टेंगल, यहां पे तो निकाल इक्वल्स टू लिखा यहां पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल प्लस अब क्या ऊपर वाले पोर्शन को बोल रहे हैं ट्रेपेजॉइडल। देखिए ट्रेपेजॉइडल मतलब ये एक शेप है, फ्रस्टम शेप बोलते हैं इसको। फ्रस्टम मतलब क्या होता है, कोन है, कोन को ऊपर से मैंने दबा दिया तो ऊपर का पोर्शन भी क्या हो गया फ्लैट हो गया। सेम यहां भी क्या पोर्शन हमारा फ्लैट, ये वाला जो पोर्शन हो गया कैसा हो गया फ्लैट हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। देन इसके बाद अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट निकालना है जो कि बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट निकालना हमें, देख कैसे निकालेंगे, ये 1850 मतलब यहां देखिए आप इसको, इसका टॉप व्यू 1850 और ये 1850 यहां पर दिया हुआ है। तो 1850 और 1850 यहां पर हमने ले लिया तो इक्वल्स टू 1.8, देखिए मीटर में चेंज कर दिया 1850 5 मल्टीप्लाई 1.85। अच्छा यहां पर हमने जो स्मॉल डी लिया था वो माना था यहां पर कितना 250 mm 0.25, तो 0.25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोगों को पता है जब भी हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं तो तीन डायमेंशन की मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ती है जो कि मैंने यहां पर किया है 1.85 मल्टीप्लाई 1.85 और मल्टीप्लाई 0.25 की यहां पर मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें कर दिया ऐड, अब देखिए अब यहां पर खेल स्टार्ट होगा। अब क्या फॉर्मूला लगाना है हमको, एक फॉर्मूला होता है डी बाय 3 इंटू ए 1 प्लस ए 2 प्लस रूट ए वन मल्टीप्लाई ए टू, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाना होगा हमें। अब इसमें ए वन क्या है ए टू क्या है जरा वो समझ जाता हूं आप लोगों को। ए वन मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। देखिए रेक्टेंगल पार्ट कौन सा है, ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगल पार्ट की लेंथ, ये है रेक्टेंगल पार्ट की विड्थ, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल पार्ट की विड्थ जो कि आपको पहले से दी हुई है 1850 बाय 1850 एकदम इजीली मिल गया आपको ए वन। A2 जो है A2 बोलते हैं इस वाले पार्ट को, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट इस वाले पार्ट को। अब इसका कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था कॉलम का डिस्टेंस में आपको ये वाला डिस्टेंस जितना भी आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, अब देखिए जरूरी नहीं 100 होगा, हो सकता है यहाँ पे 150 दिया हो ड्राइंग में हमको तो 150 लेंगे, 200 हो सकता है 200 लिया हो, लेकिन 100 क्या है स्टैंडर्ड डाटा है। क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम कॉलम को कास्ट करेंगे तो कॉलम का शटरिंग इजीली हम रख पाएं, मतलब ऐसा ना हो अगर सोचो ये स्लोप ही पोर्शन होता, यहीं से ही स्लोप होता तो यहाँ पे मैं क्या शटरिंग रख पाता, मेरा सारा कॉन्क्रीट यहाँ से बाहर निकलता कोलैप्स होता सारा शटरिंग कॉन्क्रीट वेस्ट हो जाता मेरा। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस को रखकर हम इसको फ्लैट कर देते हैं जिससे शटरिंग लगाते टाइम किसी भी तरह का इशू यहाँ पर ना आए मेरे लिए। अब यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस के निकालने के लिए कॉलम का साइज मैंने आपको दिया था 250 बाय 400, 100 mm चारों तरफ से क्या कर दिया था इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 450 और ये हो गया हमारा कितना यहाँ पे 450 और इसमें 100 mm क्या कर दिया हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया था हमारा 650 mm। देखिए 250 बाय 450 लिया था, 450 में से 100 mm और 100 mm इंक्रीज किया तो कितना हो गया 650, तो हमें A2 को भी मिल गया कितना 450 बाय 650 mm का हमारा A2 यहां पर फाइंड आउट हुआ है। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन ये D नहीं है हमारे पास। अब देखिए काफी लोग कंफ्यूज आएंगे सर D लिखा है इसका मतलब तो ये वाला D ले लो यहां पर, नहीं क्यों हम निकाल के रहे हैं ये वाला पार्ट, तो इसका D कितना होगा ये वाला पोर्शन कितना होगा वो निकालना, कैसे निकालेंगे इस कैपिटल D में से स्मॉल D को हम क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे तो हमारा यहां पर निकल के आएगा। जैसा कि मैंने बताया था ये कैपिटल D मैंने माना है इस वाले ड्राइंग से 450 और 250 लिया है हमने ये स्मॉल D को, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इस पूरे में से यदि मैं इतना डिडक्ट कर दूं तो इतना बचेगा, तो 450 में से 250 गया तो कितना बचा 200, तो ये कैपिटल D वाला आ गया कितना 200। तो ध्यान रखना है आपको
हम निकाल क्या रहे हैं। अब यहां नहीं कि कैपिटल डी दिया हुआ है तो यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग कि कैपिटल डी दिया हुआ है तो ये वाला ले लो। आपको निकालना क्या है, आप निकाल रहे हैं वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन को हम यहां पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल डी कितना लिखेंगे 0.2, क्योंकि किसमें लिख रहे हैं हम, मीटर में, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई A1। देखिए A1 क्या होगा आपका 1850 बाय 1850, तो यहां पे लिखा मैंने 1.85 मल्टीप्लाई बाय 1.85, ठीक है, प्लस A2। देखिए A2 कितना होगा आपका 450 बाय 650, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.65, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, प्लस का साइन अंडर रूट। देखिए अंडर रूट क्या है यहां पर, A1 मल्टीप्लाई A2। A1 क्या है आपका, A1 है आपका ये वाला पॉइंट और A2 है आपका ये, सबका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1.85 मल्टीप्लाई 1.85 मल्टीप्लाई 0.45 और मल्टीप्लाई 0.6। अब दोस्तों हमने यहां पर वैल्यूज तो पुट कर दी, अब क्या होगा यहां से ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट हमने निकाला था, ये वाला पोर्शन, यहां से कुछ आंसर आया हमारा, मान लिया फॉर एग्जांपल हमने एक्स आया आंसर, फिर इसमें हमने दूसरा आंसर जो आया वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट ये वाला पॉइंट, इसका हमने यहां पर जो कैलकुलेशन किया इससे कुछ आंसर आएगा हमारा कैलकुलेट करके, ये मान लिया हमने y, तो वॉल्यूम ऑफ फुटिंग क्या हो गया हमारा एक्स वाई, जो भी हमारा आंसर आएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ फुटिंग एक्स वाई। इस तरीके से हम अपने कितने भी हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग क्यों ना हो, हम इन फॉर्मूले को यूज करके, कौन सा फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग जिसमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, कभी भी आपके पास इररेगुलर शेप आ जाए आपके साइड पर, आपको इररेगुलर शेप को छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, हो सकता है रेक्टेंगल, हो सकता है ट्रायंगल पार्ट में डिवाइड, हो सकता है सर्कल पार्ट में डिवाइड, हो सकता है इस फ्रस्टम शेप में डिवाइड कर दो, लेकिन आपको एक साथ इरेगुलर शेप नहीं निकल सकती। देखिए इरेगुलर शेप था लेकिन इजीली हमने फॉर्मूला लगा के यहां पर इसका आंसर फाइंड आउट किया। सेम यही कांसेप्ट, यही तरीका आप अपनाइए, इसी रेसिपी को आपको फॉलो करना है जो रेसिपी यहां पर सिविल गुरुजी आप लोगों को सिखाता है इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, डाउनलोड करना है सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाकर आपको विजिट www.civilguruji.com या आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर 9111001234 पे आप कॉल कर। गुरुजी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ कोर्सेज, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जिसकी फीस है 36,000, जिसमें सिखाया जाता है आपको एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, बेसिक बार बेंडिंग शेड्यूल, एडवांस और क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग इंजीनियरिंग, इसके बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, रैविट आर्किटेक्चर, ईटैप्स और एमएसपी पार्ट सिखाया जाता है आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, जिसकी फीस है 36,000, लेकिन गुरुजी कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा 9,000 रुपीज का। साथ के साथ है गुरुजी का खजाना कोर्स, जिसमें मिल रहा है आपको एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, बेसिक बार बेंडिंग शेड्यूल, एडवांस, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग इंजीनियरिंग, साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, रैविट आर्किटेक्चर, ईटैप्स और एमएसपी पार्ट उसमें आपको मिल रहा है। साथ में एक कोर्स और लेकर आए हैं जो कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वर्ल्ड, जिसमें आर्किटेक्चर यदि आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यदि हम सीखते हैं तो करीबन 8,000 रुपए खर्चा हो जाता है, रैविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सीखते हैं करीबन 8 से 9,000 रुपए खर्चा होता है, गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो करीबन यहां पर भी हमारे 6 से 8,000 रुपए खर्चा होता है, और 3ds Max सीखें तो कम से कम 15,000 रुपए का खर्चा होता है। लेकिन गुरुजी ने आप लोगों के लिए भारी डिस्काउंट यहां पर इस कोर्स की टोटल फीस से आप लोगों को 3,999 रुपए में ये कोर्स आप लोगों को ले लेकर आए हैं, कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्टली अभी आप ले सकते हैं, 15 सितंबर तक ऑफर है इन तीनों कोर्स का। साथ के जितना भी फीस आप ऑनलाइन में पे करेंगे इस 15 सितंबर तक, ऑफलाइन में जब भी आपको आना हो आपका 50% फीस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, जितना आपने फीस पे किया है उसका 50% डिडक्ट होगा। गुरुजी के यहां पर आप लोगों के लिए ऑफर चला रहे हैं, इंजीनियर्स डे तक ऑफर है आप लोगों के लिए, इंजीनियर्स डे तक आप लोगों के लिए ऐसा ही ऑफर चलता रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, जिसमें आप लोगों की जो परेशानी, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते हैं मुझे कि किस चीज में आपको प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो बने रहिए दोस्तों सिविल गुरुजी के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।